दरियाफ्त किया पीपी से, जो एबीपी है तेलंगाना स्टेट के, उनसे दरियाफ्त किया कि जो है ना इसमें तहकीकात की क्या पेशरफ्त है, और उसमें जो है ना गैर मुतमईन जवाब मिलने पर उन्होंने कहा कि जो है इस सिलसिले में, क्योंकि ये मामला जो है ना बहुत ही संगीन जराइम के अंदर जो है ना ये मामला आता है, और इस सिलसिले में कोर्ट खुसूसी हमदर्दी इस लड़के के साथ, जो लड़का जो है ना इस मामले में हलाक हो गया उसके साथ कोर्ट की खुसूसी हमदर्दी है, और कोर्ट भी ये चाहता है कि जो है ना इस सिलसिले में जो खाती है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जो है ना निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा इस सिलसिले में जो रिपोर्ट इतमान बख्श नहीं है, इसीलिए जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इसमें SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई, उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है ना अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए जो है ना कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है इस सिलसिले में, और उनका काम यह है कि उनको ये हिदायत दी गई है कि वो कोर्ट में हाजिर होएं और जो शवाहिद के बयान को खलमबंद किया गया है उन बयान को लेके आएँ और कोर्ट को इस बात से वाकिफ़ करवाए कि आया इस सिलसिले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और क्या पेशरफ्त है और कौन लोग हैं जो इसमें मुस्तफा है, इस मुस्तफा अफराद है और उनके खिलाफ किस किस्म की जो है ना और आगे कार्रवाई की जाएंगी। लिहाजा इस सिलसिले में कोर्ट ने संगीन इसका जो है ना इसका बहुत सीरियस नोट लेते हुए इस सिलसिले में कोर्ट ने जो है ना PP को डायरेक्शन दिया है, और हमको जो है ना इंशाल्लाह इस मामले में उम्मीद है कि जिस अंदाज में पेशरफ्त हो रही है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो है ना इस अंदाज़ में हम जो है ना शेख मुस्तफ़ा जो लड़का है उसको जो है ना इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह, और इंसाफ की जंग जब तक ख़त्म ना हो जारी रहेगी इंशाल्लाह।